ज्वाइन करने के लिए। जय जी रिकॉर्डिंग मत कर ना। अच्छा मंदिर देखे, अपना मंदिर देखा आपने? आई थिंक कुछ लोग तो नया देखेंगे अपना मंदिर। योर टेम्पल इज विद इन यू, यू जस्ट कीप द बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ आप ऐसा रखें। आप मुझे वॉच करते ना, दोनों हाथ ऐसे रखें। Then bring the both hand toward the sky and feel some force is pulling you up. And elbow आप थोड़ा मोड़ दें। Just feel there is a temple and visualize your own face, अपने स्वयं का चेहरा निहारें, अपने स्वयं का चेहरा निहारें। दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटनों पर रख लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, एक हाथ से अपने सीधे नोस्ट्रल्स को बंद कर लें, एक हाथ सामने 45 डिग्री पर सीधा आसमान की ओर कोहनी मोड़ी हुई, हाथ ऐसा जिनको पहली बार कर रहे हैं, दे कैन ओपन देयर आईज, दे कैन सी। नाउ यू हैव टू टेक द ब्रेथ फ्रॉम लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट नोस्ट्रल्स, है ना। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा और श्वास खाली करते वक्त आप नीचे आएगा। When your hand go up and down, just visualize your mother face. 11 टाइम आपको ये करना है। स्टार्ट। लेट्स नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल, आप बाया नोस्ट्रल बंद कर ले बाएं हाथ के नीचे से। नाउ राइट हैंड को स्ट्रेट कर ले। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। विजुलाइज योर फादर फेस, फादर है या नहीं है धरती पर, प्लीज बॉदर, बस अपने पिताजी का चेहरा आंख में ले आएंगे। 11 बार। स्टार्ट। Now with the both hand, attention on the navel area. Visualize your in-laws family. आपके ससुराल शादी हुई है, अगर ससुराल पक्ष में कोई एक्सपायर हुआ आपकी शादी के बाद, उनका चेहरा याद करें। Those are not married. They think about their siblings. 11 times with the both nostrils, both lungs. Start. हाथ से उंगली से अपना राइट मोशन बंद करेंगे। लाइक यू नो अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हम अपने माता पिता दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ करेंगे। अभी आप सीधे नोस्ट्रल्स को बंद कर लें, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरे, दोनों लंग्स में से कोई भी लंग्स से भरे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। विजुअलाइज योर मदर फेस एंड again close your left nostril and exhale by right nostril, visualize your father face। बाएं नासिका से श्वास भरेंगे, अपनी माता जी का चेहरा याद करते हुए बाएं नासिका बंद करके सीधी नासिका खोल लेंगे और सीधी नासिका से अपने फादर का फेस याद करेंगे। सीधी नासिका से पुनः श्वास भरते हुए अपने ग्रैंड फादर का चेहरा याद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास खाली करते हुए अपने ग्रैंड मदर का करेंगे। Start 3 times. Mother face. Exhale by right nostril, father. Grandfather. Grandmother. Again, mother. Father, grandfather, grandmother, rectangle, now लेफ्ट नोस्ट्रल से अपनी नानी का चेहरा याद करेंगे, राइट नोस्ट्रल एक्सेल करते वक्त अपने नाना का चेहरा याद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करते वक्त अपने परनाना का चेहरा याद करेंगे, या परनाना का नहीं तो आपके माँ के पक्ष में कोई मेल पुरुष ने प्राण त्यागे उनका चेहरा याद करते हुए पुनः लेफ्ट नोस्ट्रल से रिलीज करेंगे। अपने माँ के परिवार में अगर कोई भी माँ के मदर या कोई भी एक्सपायर हुआ फीमेल कैटेगरी तो उसको याद करेंगे, मासी हो ही सब। स्टार्ट विद लेफ्ट नोस्ट्रल, थिंक ऑफ योर मदर्स मदर नानी, अगर नहीं देखा हो तो नाम, नहीं तो खाली श्वास लेते छोड़ें। Time. Again, inhale by left nostril, visualize your nani face. कुछ नहीं करो, जहां जाना चाहता है जाने में। What's your guess? Recall the moments which you spent with your ancestors, अपनी माता पिता दादा दादी जो इस धरती पर नहीं रहे, उनके साथ बिताए पलों को याद करें। सार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज न कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म से जाना है। एक पल की पलक पे है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म से जाना। पितृगणाय विद्महे जगत्तारिण धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृदेवेभ्यो नमः। Whenever you feel complete, visualize your own face. How you visualize like a mirror? जिस प्रकार अपना चेहरा आईने में निहारते हैं, उसी प्रकार अपना चेहरा बंद आंखों से देखें। मुस्कुराते मुस्कुराते अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज whenever you feel complete. Take a glass of water, cover one right hand. And take one. Now, yesterday, I announced कि मैं आप में से कोई भी जिनके माता पिता इस धरती पर नहीं है, वो उनके साथ बिताए गए पलों को याद करते हैं तो क्या सीख मिलती है। देखो, याद आती है उनके साथ बिताए गए, लेकिन व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, आइदर फादर आइदर मदर, इफ फिजिकली प्रेजेंट हियर नो नीड। अब फिजिकली यहाँ पर नहीं है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके लिए एक संबल बनती है जिंदगी के लिए, आप वह सब बातें हमारी वजह से बोलना चाहेंगे ताकि हमारी माँ का ज्ञान, हमारे पिता का ज्ञान हम तक सीमित ना रहे, वह ज्ञान सब तक जाए। एनीबडी हू वॉलंटरी वांट टू से समथिंग, वो प्रिंसिपल बताइए। अमर जी को एडमिट कर जाइए और इसको रिकॉर्डिंग आप करिए। सबसे पहले और सारी जो छवि मेरे सामने आए राम गुरु जी, वो सबसे एक ही चीज आए, सबका एफेक्शन जो है वो ही मेरे जहन में आया। सबसे पहले बस एक ही चीज है, एफेक्शन एफेक्शन एंड एफेक्शन। एनी मैसेज व्हिच यू लर्न स्टिल रिमेंबर Is it lesson in your life? कोई भी उनका कहा गया शब्द, ऐसे कहा गया शब्द तो नहीं है, लेकिन हर काम में एक ही चीज की झलक आती है कि अगर कुछ चीज लास्ट करता है तो वो प्यार है, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच अमर जी, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी वांट टू, थैंक यू वेरी मच। Anybody want to share? Oh my God, nobody. Shall I pray? Yeah. आप तो कह सकते हैं गुरुजी। Yes. आपके पास स्वाति बोले। हाँ, yes. स्वाति wants to go. Okay, I'll unmute Swati. No, I first आप ही, आपका मैंने बोल दिया ना, स्वाति आपके बाद आई। What I remember most from my parents is, Guruji, my father and mother, Satyameva Jayate, honesty always wins, always be honest. Irrespective of what hurdles you face, you always be honest. And another couple of key points is, other one is, you have given, do it, you have given your life. If you cannot do it, you be upfront, or upfront bata do, hoga nahi, but don't give false promises. Ek baar bataya kar sakte hain, तो करना ही होगा at whatever costs. That's that. Then another one is, our life is very precious. We have no right over our life. Many of the times we contemplate suicide. मुझसे हो नहीं रहा है. There are those kind of thoughts that comes. We have no right. My mother's teaching, we have no right over our life. It's given by divine and it has to be end by divine only. And another one final thing is righteousness. अगर कोई mistakes कर रहा है, अगर मेरी फैमिली में कोई कर रहा है और या बाहर वाले कोई भी कर रहा है, मिस्टेक इज अ मिस्टेक। जस्ट बिकॉज इट्स माई स्पाउस, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई चाइल्ड, देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर इज नो शॉर्टकट्स। इट्स द सेम यार्डस्टिक फॉर ऑल ऑफ देम। दीस आर फ्यू थिंग्स आई रिमेंबर गुरुजी। आई थिंक आई जस्ट वांट टू स्पीक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पपिया नाउ, फर्स्ट स्वाति देन पपिया। थैंक यू जय। गुरुजी प्रणाम। मुझे भी सिर्फ अपनी नानी के हग्स और मामा के अफेक्शन जैसे बता रहे थे वो ही याद आता है, पर मेडिटेट करते वक्त मैसेज मुझे यही आया कि इस सेशन के बाद में उन सबको एक लेटर लिखूं तो वो कृतज्ञता जैसा वो लग रहा था कि वो मुझे करना है। वेरी गुड। सच लिखना है। That's why these days come. ये दिन जो आते हैं ना इसीलिए आते हैं। अगर ये दिन नहीं होते तो हमारे मम्मी पापा को याद भी नहीं करते। That's why our ancestor did it thing. हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से उनको याद करने के बहाने बनाए गए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पितृ लोग आते हैं, धरती पर आते हैं, कौवे के रूप में आते हैं। अब कितने पितृ हो गए साहब, मुझे बताओ, अरब अरबों लवों कौन कहाँ आएगा। बट प्रैक्टिकली यस, इससे आई एम इन फेवर कि भाई अपने पितरों को ग्रेटिट्यूड पे करने का एक सही तरीका है। हाँ पपिया जी, सुचिंता जी बोलेंगे आप। प्रणाम गुरु जी। मेरे मम्मी तो नहीं है इस धरती में, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि किसी के काम पे आओ, कुछ भी छोटा हो या बड़ा हो, किसी के काम पे आओ। और किसी के अच्छे समय में नहीं रहो तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरे समय में उसके पास रहो। really? तो वो आज भी मुझे याद है। That I want. कोई भी एक ऐसी चीज जिसे जया जी ने बताया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा गलती होती है ना। और अमर जी ने बोला इमोशंस हम याद रख पाए, कि उनके प्रति जो प्यार था केवल वही याद रहा, अच्छी बात है। स्वाति ने भी कहा कि हमको वो याद आता है, फिर हम लेटर लिखेंगे। ये बाद में हमारी जया जी ने, और अभी शायद सुचिंद्रा जी कह रहे हैं, सुचिंद्रा पाल जी कहेंगे, फिर हम नीतिका जी से बात करें। हाँ वो सुचिंद्रा जी को। प्रणाम गुरु जी। मैंने अपने पापा को 2017 में खोया, तो मिस करती हूँ बहुत। तो आज मैं जो भी हूँ, मैं दिखती भी मेरे पापा जैसा हूँ, और मेरा चिंतन, मेरा थॉट, जो भी मैं हूँ वो मुझे मेरे पापा का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ मैंने अपने पापा से, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दिल में रहता है वो ये है कि ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। कि जो भी काम करो, मेरे पापा ने हमेशा सिखाया कि बेटा आप जो भी करो दिल से करो। और एक मुझे जो हमेशा याद मैं महसूस करती हूँ, पापा ने ये सिखाया कि बेटा डू गुड टू अदर्स। जिनको वस्त्र नहीं है आप उनको वस्त्र जो, जिनके पास खाना नहीं है आप उनको खिलाओ, आप उनके लिए ऐसे करो। और बी ब्लेस्ड, कि ये आपको ईश्वर, मतलब ये आप ब्लेस्ड फील करो कि आपको ईश्वर ने इतना दिया है कि आप दूसरों के काम आ सको, उनकी मदद कर सको। और कभी आप दोगे तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको भी चौगुना मिलेगा। सो ऑलवेज आप दो, हेल्प करो, सो आपको भी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये मुझे सबसे ज्यादा मैं महसूस करती हूँ। बस यही। अब जयदीप कौन ने बोलना चाहा था? इसके पहले सुचिंदा की बात, नीतिका जी, फिर एलेवेली की बात। नीतिका जी वेलकम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। मम्मी पापा तो है, लेकिन मुझे अपने नाना जी की एक बात याद आती है। वो हमेशा बोलते थे, बेटा धन हमेशा साथ नहीं जाता, हमेशा आपके साथ जाता है आपके बोल। एंड सेकेंड थिंग, जो तुम हम लोगों से ले सकते हो वो हमारा एक्सपीरियंस है। हमारे पास सबसे बड़ा धन यही है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो आप आगे अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। तो सबसे बड़ा धन जो हमसे लोगे वो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनुभव का धन है, मतलब क्या इन्होंने कहा, अनुभव का धन हमारे पास है, हमारे अनुभव का धन का उपयोग आप करो, है ना। वेरी गुड। हेलो जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी एंड हाय टू ऑल। गुरुजी, मेरे माँ पापा हमारे साथ सब सर्वेंट बैठ के खाते थे। मैं वेरी हम्बल, वेरी सर्विस ओरिएंटेड। कभी कभी जो लोग हमारे घर आते हैं, हमारे घर आते थे, उन लोगों को पसंद नहीं आती थी कि सर्वेंट भी हमारे साथ बैठ के खाते थे। जो भी हम खाते थे वो ही उसको खिलाते थे। तो ये मेरे माँ ने मुझे बताया कि किसी को भी भूखा हर जो भी हंग्री है वो भूख सबके लिए एक ही है, पहले हमें खाना है बाद में इसको खिलाना है, ऐसा नहीं। अगर वो नहीं बैठते हैं लेकिन हमें उसको ऑफर करना चाहिए बैठ के हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो शी इज़ वेरी हम्बल। समटाइम्स लाइक पीपल फील लाइक मे बी इट्स एक्टिंग ऑल्सो समटाइम्स, बट शी इज़ वेरी हम्बल। एंड माई फादर ऑल्सो हेल्प्ड मेनी, लाइक ही डोनेटेड ब्लड एंड सेव्ड मेनी लाइव्स। His blood group is O positive, so he helped many. एंड और एक बात है जो धन के विषय में मेरे माँ कहती थी कि कोई रिच है कोई पूर है, इसके साथ उसको रेस्पेक्ट मत देना, क्योंकि मेरी माँ ने देखी है कि वो कोई भी ये कुछ समय का खेल है, कभी पूर था वो रिच होगा, कभी रिश्ता वो कोई रिश्ता लेकिन वो पूर भी हो सकता है। तो रेस्पेक्ट, डोंट डिसरेस्पेक्ट एनी बडी बिकॉज ऑफ मनी, ओके। हर किसी को सेम रेस्पेक्ट देना, वो मैंने सीखी थी गुरु जी, ये दो बात। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कितनी नई नई चीजें सामने आ रही है हमारे, है ना। देखिए हर माता पिता कोई बच्चों को गलत नहीं सिखाता। आज हम लोगों ने बोला हमको 4-5 नई बातें, इन द हंगरी, भूख के अंदर कोई अमीर कोई गरीब नहीं। भूख के बाद भूख एक जैसी लगती है, वो भले मुकेश अंबानी को हो वो मजदूर को लगो, वो जिसने मेहनत करी उसको ज्यादा जोर से लगे। और कभी सबको भूख के वक्त सभी एक लोग हो। कई बार हम लोगों में लगता है हम बड़े लोग हैं हम पहले खाएंगे इनको बाद में देंगे। भूख के मामले में कैटेगराइज नहीं करना, ईमानदारी रखना, से साथ में सबको प्यार से बात करना, कोई बड़ा छोटे का अंतर्भेद नहीं करना, ये सब बातें हर माता पिता सिखाते हैं कि सीखना, लेकिन हम कितना अमल करते हैं। और एक बात और बोलूंगा, लेट एनीबडी एल्स एनीबडी वांट टू से आज और कोई आभाजी बोलूंगा, आभाजी सर बोलेंगे ऐसा कैसे होगा। जो मुझे याद है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेरेंट्स के लिए था वो सिंपल लिविंग एंड एक सॉरी अनम्यूट कर ले अपने आप। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बहुत ही सादा जीवन, बहुत मेहनत वाला जीवन। और उनका ये कहना था कि whatever you do, you must try to excel, put in your best and try to excel in that. So we all have learned this and practiced also in our lives. And of course, honesty was honesty and service, to serve with love. सभी लोग जो भी घर में आते थे, they all were served with love. और पहले अतिथि था, बाद में घर के लोग थे। Very good. Anybody else? Rupa, would you like to share? No. Any memories with your parents? Yes, that was important. So that was one lesson. Family always comes first. We always come first. Family always come first. Yes. Very good. So, बात की एक बात बोली। अब now I am saying thank you very much, Rupaji. Now I am concluding the session. हमारे माता पिता ने जो हमें सिखाया वह आज के समय कितना प्रासंगिक है यह भी देखना है। मेरी माता ने सिखाया गरीबों को भोजन कराओ, गरीब कोई बेवकूफ बना के आपकी भावनाओं का यूज करके खाना ले जा रहा है, नहीं। वॉट एवर नॉलेज यू रिसीव एज ए की पॉइंट विथ योर पेरेंट्स आर एंसेस्टर्स, use your awareness. मेरी माँ बोलती थी ऐसा करो, नहीं, माँ कहती थी वो उस जमाने के हिसाब से कहती थी। आज का जमाना तो ऐसा है कि हम कहते हैं खुशी बांटने जाओगे खुशी कम होगी, दुख बांटने जाओगे दुख बढ़ेगा। अभी कोई भी अपने अतीत का ज्ञान अप्लाई करने के पहले, आपके खुद का 10 साल पहले का ज्ञान अप्लाई करने के पहले आप उसको देखें कितना प्रासंगिक है आज के समय में। झूठों के बाजार में सच बिकेगा क्या? और सच के बाजार में झूठ बिकेगा क्या? कलयुग है, झूठ के भी खरीदार है सच के भी खरीदार है। सच का केवल लेबल लगा के रखना है, झूठ अंदर चलना है। आप समझे? तो हमारा ये भी कहना था कि नॉलेज अच्छी बात है, इसी का हमने नॉलेज अपने पेरेंट्स को हमने शेयर किया, आई अप्रिशिएट, सब लोगों ने पार्ट लिया। लेकिन वो सीखे गए ज्ञान को अपने विवेक से अपने बच्चों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं अरे मेरी तो दादी तो ये बोलती थी सुबह उठकर अपनी दादी मम्मी के पैर दबाओ, पॉसिबल है क्या? आपकी दादी तो पहला काम करती थी उनकी मादर के वो जाके पैर दबाती थी 5 मिनट, कर पाओगे? नहीं। तो वह समय में जो प्रासंगिक था आज के समय में ऑब्जर्व फिल्टर सरेंडर के हिसाब से अपने बुजुर्गों का जो ज्ञान है उसको फिल्टर करके यूज करना है। हो सकता है वो उस वक्त में प्रासंगिक थी, आज प्रासंगिक नहीं। Thank you very much to make this session participatory. I am very happy that everybody participate. और कुछ लोग करना नहीं चाहते तो हो सकता है मदर फादर उनके जिंदा हो, मैं और प्रार्थना करता हूँ कि और अधिक उम्र हो उनकी। लेकिन माता पिता के शरीर से प्रेम मत करो, उनकी बातों से प्रेम करो, उनके ज्ञान से प्रेम। वो शरीर की गई तो कभी नहीं बोलना मेरी माता जी चली गई, नहीं, पंचतः शरीर छोड़ के गई। आपकी स्मृति में तो आपकी आखिरी सांस तक रहेगी। वो बोली मेरी माँ चली गई 2004 में चली गई। आपको मालूम है हर शरीर को जाना है। उसी प्रकार आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ है और अब हर साल हम एक दिन बुलाते हैं, जिस दिन तिथि मदर क्या होगा वो दिन एक बुजुर्ग महिला को भोजन खिलाते बस। कंपल्सरी भी नहीं है कि नहीं खिलाया तो पितृ नाराज हो जाएंगे, पितृ उतर के आते हैं, होगा। मैं प्रणाम करता हूँ सबके ज्ञान को जो ऐसा कहते हैं, लेकिन आज के प्रायोगिक ज्ञान में अपने बच्चों को समझाने जाओगे ना। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि आज जो श्राद्ध हो रहे होंगे, जो भाले दिन हो रहे होंगे, उसमें कोई ना कोई आपके लिए भी श्राद्ध करना होगा, क्योंकि आपने भी ये शरीर बदलने के पहले जो पहले शरीर छोड़ा होगा उस शरीर का त्याग करना होगा। तो इसके लिए मैंने उपाय दिया है आपको कल करने का, राइट लेफ्ट वाला मैं जरूर करना। सभी लोगों पर कितनी कृपा बनी है, बनी रहेगी। उस ज्ञान को अपने जीवन के वर्तमान के विवेक के फिल्टर से काटकर अप्लाई करें। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। पितृ देवेभ्यो नमः। कल 11:30 बजे मिलते हैं सेशन में। अपने अधिक से अधिक लोगों को जय जी आप एक वो आप बना के डाल दें कि हमको रिक्वेस्ट 2000 गोइंग टू ज्वाइन, प्लीज रजिस्टर्ड योर नेम, हमको रिक्वेस्ट है ना, इसके 2000 गोइंग टू ज्वाइन डेट प्लीज रजिस्टर्ड। तो हम घर जाएंगे तो उन लोगों के साथ आप बनाते ना पोल, वोटिंग पोल, कौन आ रहा है। No, I'll do the poll, Guruji. That poll I'll do, but where should they register? Not at all. They're not required. They are our family member. They know where they have to come. Where the poll can, how many are coming? Just we want to know figure. Okay. I'll talk to you offline, Guruji. I'm not following you. Leave it. I will make the plan. Don't worry. Okay, leave it. अच्छा one thing, एक बात बताऊँ आपको, कल आपको आना है। जो भी आपके डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के लोग जुड़े हुए हैं आपसे, आप उनको भी याद करना, उनको भी याद दिलाना, कल आना ना सेशन। अच्छा है आपके थोड़े प्रयास से लोग आ जाए, है ना। और आप लोग भी अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है, कोई वो काम नहीं है, फिर आप उसमें कंचन जी भी आ गई। कंचन जी तो आज बोल दिया, बोले कल 11:30 बजे मिलते हैं अपन। तो मैं समझ गया कंचन जी आज सेशन में कहीं जाना होगा इनको, है ना। तो मिलते हैं कल 11:30 बजे आप सभी लोग खुश हैं, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। कल 11 बजे मिलते हैं सभी पितृ स्थान के साथ, अपने पितरों की कृतज्ञता के साथ, अपने तर्पण की बातें के साथ।